मेरे सामने है ब्रैंड न्यू 390 और यहाँ पे 250 सेम सी 390 250 250 250 390। तो हे गाइस, बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फाइनली तुम्हारे भाई आ चुके एक नए वाले ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है ना, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा अगरतला, मैं, सानी और बासु। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है ना, आप लोग पूरा देखना। और हम लोग अभी जा रहे हैं KTM शोरूम पे, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को थोड़ा बाइक भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो जो शोरूम पे बाइक होगा। तो एक्चुअली सानी का जो बाइक है ना, इसका सर्विसिंग भी करेगा। और इसका जो मडगार्ड का जो नट बोल्ट है ना, ये ख़राब हो चुका है, ठीक है बाइक है ना। इसका जो पीछे का जो मडगार्ड है ना, इस वाला जगह का, यहाँ पे कस्टम डले मारेगा, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है इसका बाइक। ये वाला जो नट है ना, ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अभी बासु के आने के बाद हम लोग इधर से निकलते हैं। तो बासु भी आ चुका है और सानी भी आ चुका है। तो एक्चुअली ना, मेरा गोप्रो का एक प्रॉब्लम हो चुका है, उसका जो एडाप्टर का जो कनेक्टर है ना, छोटा सा, वो टूट गया है, ठीक है। तो मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो एक साइड में साउंड आता है, मतलब आप लोग जब हेडफोन से सुनोगे ना, तो लेफ्ट साइड में आवाज़ आएगा और राइट साइड में। तो अपना जो हेडफोन है, इसको खोल दो और ऐसे सुनो वीडियो को पूरा। भाई यार, क्या यार, आज तो मतलब बार बार ना बाधा ही पड़ रहा है भाई, अगरतला जाने के पहले ही। भाई क्या हुआ यार, मेरा आजकल का दिन काल जो है ना, अच्छा नहीं चल रहा है भाई। अभी जो देख रहे हो ना सामने R53 V3, इसका जो कलर है ना, नियॉन कलर होकर आएगा, ठीक है। हाँ, शायद इसका जो बाइक है अगरतला दे के आएगा। तो आज सप्ताह मान लो 1 वीक या 10 डेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बाइक है ना, R53 V3, इसका जो पूरा जो कलर और लुक है ना भाई, पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मान लो 10 डेज उसके अंदर आ जाएगा यह जो बाइक है। मेरा बाइक का जो डीपी किलर है ना, मैं घर पे मतलब भूल चुका हूँ, ठीक है, और मैं लाने में भूल गया। तो एक्चुअली अगरतला में थोड़ा फाइन लगाता है अगर एग्जॉस्ट लगाओगे तो। तो इधर देख सकते हो सामने जो है ना, सामने पुलिस बैठा हुआ है, और अभी पता नहीं हम लोग को रुकेगा भी या नहीं। तो अभी देख सकते हो, तराई क्यों नहीं आए, तराई क्यों नहीं ले जंगल मॉल जाए, तराई क्यों नहीं, और तो कैमरा दूर से साथ तम नहीं। तो अभी देख सकते हो, ये जो हमारा जो खुवाई का जो उत्तम सर है ना भाई, बहुत मोस्ट पॉपुलर है भाई। ये जो अभी देखा ना ट्रैफिक पुलिस जो है ना भाई, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग अगरतला में एग्जॉस्ट लगाओगे ना, तो अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना, तो फाइन वाइन लगाता है। और हमारे खुवाई में चलता है, ये फाइन टाइन नहीं लगाता, हम खुवाई में चला सकते हैं, बट अगरतला में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं अपना जो बाइक का जो डीपी किलर है, और घर पे भूल चुका हूँ और लाना भूल गया था। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं भाई अच्छे तरह से। तुम्हारे भाई पहुँच चुके हैं कुछ इस वाले जगह पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। जो ये टीला जो है ना, इसको ऊपर भाई देखना कितना बड़ा टाण है, ये देखो घूम घूम के जाता है ये। उस दिन जब मेरा चेन खराब हुआ था ना, जब मैं अपना जो बाइक का जो चेन है चेंज करने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम यहाँ पे मैंने ब्लॉग शूट किया था, ठीक है। वो वाला जो ब्लॉग था ना, एक्चुअली उसमें साउंड ही नहीं आया था, तो इस वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और मेरा जो पीछे पिलियन बैठा था ना, उसको पूरा पैदल उठना पड़ा। ये वाला जो जगह है भाई, इतना ऊपर है ना, तो अपना जो बाइक का जो चेन उस टाइम ख़राब था, तो बाइक ऊपर ही नहीं उठ रहा था, इसलिए। पहाड़ का जो रोड है, ये पहले अच्छा ही था, और अभी देख सकते हो कितना सारा गड्ढा हो चुका है भाई। पहले ऐसे लीन मार मार के हम लोग जाते थे, और अभी आप लोग नहीं मार पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो चुका है। ये वाला जो रोड है ना, पूरा खराब हो चुका है भाई, पूरा खराब हो चुका है। अभी हम लोगों को तेलिया मोरा से होकर अगरतला जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट उस तरफ ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इधर से शॉर्टकट से होके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, नीचे जो इतना बड़ा खाई है ना, अगर किसी कारण आप लोग नीचे चले गए ना भाई, बाइक को अनकंट्रोल करके भाई, तो आपका जो बाइक है ना, इसको उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और आपको उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
तो हम लोग पहुंच चुके कुछ इस वाले जगह पे, और इस वाले जगह पे जब भी आता हूँ ना भाई, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से ऊपर जाने में। और चारों तरफ देख सकते हो यहाँ पे साइड पे भाई बहुत ही बड़ा खाई है। जब लीन मारते हैं ना तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है देखने में सानी का जो बाइक है ना, हाफ सी उसका मतलब पूरा भाई मास लगता है जब ऐसे करके जाता है ना भाई। और बासू का तो पता ही नहीं चलता, ये तो भाई कबार है भाई कबार। ये बाइक ना बासू का जो बाइक है R15 V3, दूसरे के बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, बासू का बोल रहा हूँ, इसका जो बाइक है ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है भाई। और इसका जो अंदर है ना भाई, अंदर भाई कुछ भी नहीं है भाई इसमें। पहले जैसा जो रॉ वाला फील है ना भाई, पूरा जो बाइक है ना पूरा ख़राब कर दिया इसने। मतलब इसने टाइम टू टाइम सर्विसिंग भी नहीं किया, इस वजह से ना इसका जो बाइक का जो इंजन है ना भाई पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। तो मैं जो भी नया बाइक खरीदता हूँ ना सबको बताता हूँ कि अगर बाइक का कुछ भी करो या ना करो मेंटेनेंस वगैरह भाई, इंजन ऑयल जो है ना इसको टाइम से पहले ही डाल देना, ठीक है। तो आपका जो बाइक है ना इंजन जो है ना वो खराब होने का जो चांस है ज़्यादा नहीं रहेगा। और अगर आप लोग मान लो आपका बाइक का रेंज है 2000 किलोमीटर और आप लोग 3000 या 4000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका जो इंजन ऑयल इसमें डालोगे तो बाइक का तो पहले ही खराब होना ही है, ठीक है ना। बाइक का देखो, अगर आप लोग क्रैश वगैरह करोगे ना आपका बाइक का इंजन तो कुछ नहीं होता, ज़्यादातर इंजन को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आपका जो बाइक है ना इसका हैंडल बार या आपका जो बॉडी है ही कुछ टूटता है, जिस वजह से आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर होगा इंजन ही सही नहीं रहेगा ना तो आप लोग कुछ भी कर लो भाई, चला के मज़ा नहीं आएगा। हम लोग आ चुके हैं हिप्पाई कॉलेज के पास और आप लोगों को थोड़ा यहाँ का जो लोग है आप लोग देख लेना अगर रोड पे मिलेगा तो। यह हमारा जिसको बोलते हैं अच्छा ही कॉलेज है हम, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई एड्रेस लगा के। तो क्वाई में ना पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता, अगर अगरतला में पढ़ते ना भाई और भी मज़ा आ जाता भाई। तो तुम्हारा भाई उस टाइम ना कुछ अलग ही होता। तो अगरतला आने के बाद ना मुझे ना मेरा जो नज़र है ना भाई राइट लेफ्ट में रहता है हमेशा, तो आप लोग समझ जाओ। तो फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है इस वाले जगह पे और अपना जो बाइक है ना यहाँ पे रख दिया। और एक्चुअली आते टाइम ना मैं GoPro से शूट नहीं किया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे तो आप लोगों को ना 390 दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो 390 जो ब्रांड न्यू 390 है, इसका जो कलर है ना भाई आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे है थोड़ा सा देखते, तो यहाँ पे है ड्यूक 200 और ये 390 RC 200। तो सामने से लुक दिखाता हूँ, तो एक्चुअली उस तरफ से दिखाता हूँ, ठीक है। तो सामने से तो यहाँ से देख सकते हो ये जो RC 200 है इसका कलर आप लोग देख सकते हो। और इसका जो सीट का जो पोजीशन है ना पूरा जो सीट है ना, और यहाँ पे सानी का RC देखो और यहाँ पे ये वाला RC देखो भाई, कौन आप लोगों को बेस्ट लगता है भाई, मुझे तो ये वाला जो RC है ना यही सही लगता है। और ये है अपना ड्यूक 250 जो अभी जो ड्यूक 250 है ना इसका जो ग्राफिक्स है और सानी का जो ग्राफिक्स है ना सेम टू सेम है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला ड्यूक 250, तो देख सकते हो इसका जो कलर है ना, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये देख सकते हो, ये वाला कलर ही 250 में भी दे दिया, ठीक है। तो ये रहा सानी। तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुके कुछ इस वाला जगह पे, हम लोग अभी आ चुके हैं शोरूम के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बाइक भी दिखा देता हूँ, तो कैसा लगा आप लोग बताना। तो मेरे सामने है ब्रांड न्यू 390 और यहाँ पे 250 सेम देख सकते हो, सामने का जो लुक है सिर्फ इसमें जो है ना डिस्प्ले, और इसमें आप लोगों को फ़र्क देगा कि इसमें आप लोगों को मर्ज़िला टायर मिलता है और इसमें आप लोगों को MRF वाला जो टायर है ना ये वाला टायर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हसबाना, उधर एक 390, वहाँ पे हसबाना, यहाँ पे एक RC 390, 250, 250, 250, 390 और यहाँ पे 2 250 है, ठीक है। और वहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना एक RC 200 और यहाँ का जो 390 है भाई सेम टू सेम लुक है, इसमें कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोग देख के बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे है सानी बाशु देख सकते हो। तो इसका जो डिस्प्ले है ना आप लोग देख लो कैसा लग रहा है भाई, ये देखो 390 का।
तो अभी यहाँ पे देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे है कुछ बाइक, तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बाइक है, एक्चुअली हम लोग जो सानी का जो बाइक है ना, सानी का बाइक कर रहे हैं सर्विसिंग, तो अभी बाशु का जो बाइक है ना दे देगा, मान लो एक वीक या 10 दिन के लिए दे देगा, उसके बाद इसका जो बाइक है ना नियॉन कलर होके आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं अपना बाइक लेके। तो अभी जो है ना अपना जो बाइक है इससे थोड़ा चलते हैं, मतलब हम लोग जाएंगे थोड़ा बोरतला के पास और वहाँ पे जाके तो बाशु का जो बाइक है ना उसका बाइक तो दे देगा, तो वो मेरा मेरे साथ आएगा, ठीक है। तो ये जो बाइक है ना इसको लास्ट बार देख लो ब्लू कलर में, उसके बाद ये आएगा नियॉन कलर में। तो अपना जो GoPro है ना इसमें चार्ज भी नहीं है भाई, 16% चार्ज है। तो मैं इतना लंबा तो वीडियो नहीं कर पाऊँगा, तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप लोगों को थोड़ा ब्लॉग दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके कुछ इस वाले जगह पे, और यहाँ पे देख सकते हो बाशु का जो बाइक है ना भाई पूरा नियॉन कलर हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। तो अभी देखता हूँ क्या होता है, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, और वहाँ पे सानी का जो बाइक है ना वो भी सर्विसिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो पूरा अंदर हो चुका है, तो ये रहा मेरा बाइक रॉयल एनफील्ड KTM स्टिकर्स एक्सेसरीज। तो अभी जो है ना बाशु अपना बाइक यहाँ पे छोड़ के जाएगा 10 दिन, मान लो 10 दिन तो लग जाएगा, 7-8 दिन तो लगेगा ही। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं, तो इसका जो बिल आएगा ना उसने 14,000 पे किया है, ठीक है। जिस दिन बाइक आ जाएगा उस दिन आप लोगों को थोड़ा वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अभी इधर से निकलते हैं, सानी भी हम लोगों के लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, तो निकलते हैं। और अभी हम लोग को जाना है KTM शोरूम के पास, एक्चुअली सानी हम लोगों के लिए थोड़ा वेट कर रहा होगा, उसका जो सर्विसिंग है ना कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं जल्दी से। तो अपना जो GoPro है ना इसमें भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई इतना जाम है ना भाई, क्या ही बताऊँ यार। तो अभी देख सकते हो सानी का जो बाइक है ना ये भी सर्विसिंग हो चुका है, और अपना जो बाइक है अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला जो ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग है भाई ये पे ख़त्म करते हैं।